हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में इसके लिए क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए, ये सर्किट में ये है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसमें इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और ये हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मीन्स बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, दैट इज KCL। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कितने नोड है और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हमें बस पर्टिकुलर नोड पे KCL अप्लाई करना है, उसका इक्वेशन बनाना है, देन आफ्टर हमें आसानी से इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, यहां पे फिलहाल आपको तीन नोड दिखाई दे रहे हैं ऊपर में। देखो, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ऊपर आपको तीन नोड दिखाई देंगे। तो हम एक काम करेंगे, ये सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे। रीड्रॉ करके ये सर्किट को रिड्यूस करके यहां पे तीन नोड के सिर्फ एक ही नोड बनाएंगे। तो चलो रीड्रॉ सर्किट यहां बना लेते हैं, उससे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है और ये रीड्रॉ करते समय हमने देखिए यहाँ पे एक हेक्सागोन शेप बनाया है। यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपको तीन नोड दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो तीन नोड हैं, तीन के बजाय हम एक सिंगल नोड यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये रीड्रॉ किया है। यहाँ पे अब आप सिंगल नोड देख सकते हैं। कौन सा है वो सिंगल नोड, देखिए ये है वो सिंगल नोड और ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा, ये देखिए ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा V और यहाँ पे वोल्टेज रहेगा दैट इज जीरो, क्योंकि हम इसको अर्थ कर लेंगे। देखो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। यहाँ पे V क्यों रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। देखो ये सर्किट में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस ये जो दिया है वो, ये देखिए इतना जो टर्मिनल है ये हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। ये टर्मिनल्स यहाँ पे शो करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे बस इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो वी है, तो वो हमने यहाँ पे शो किया है। देखो ये नोड पे हमने वोल्टेज शो किया है वी और अब यहाँ पे हम आसानी से KCL अप्लाई कर सकते हैं, इट मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। हमें ये नोड पे वोल्टेज अप्लाई करना है, ये नोड पे वोल्टेज हमने यहाँ पे जीरो ले लिए, ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो नोड होता है उसमें हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि वो अर्थ किया जाता है, इसलिए वहाँ का वोल्टेज जीरो। और अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोड पे कितने ब्रांचेस मिल रहे हैं, यहाँ पे चार ब्रांचेस मिल रहे हैं। देखो इधर का एक ब्रांच जिसमें करंट सोर्स लगा है, इधर का एक ब्रांच जिसमें डिपेंड सोर्स है और ये दोनों ब्रांचेस जिसमें रेजिस्टेंसेस है। और अब हमें क्या करना है, ये नोड पे KCL अप्लाई करना है, इट मींस किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम एक काम करेंगे, ये नोड को हम कहेंगे नोड वन, ठीक है, ये नोड को हम कहेंगे नोड वन और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वो वी है, जो हमने आपको पहले ही कहा था। और ये नोड पे अगर हमें KCL अप्लाई करना है तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड वन। हमें नोड वन पे KCL अप्लाई करना है, तो नोड वन पे जितने भी ब्रांचेस हैं सभी ब्रांचेस में हम सबसे पहले करंट शो करेंगे और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसका डायरेक्शन देखो क्या है, इसका डायरेक्शन ऐसा अपवर्ड है। और ये जो करंट है हम इसको नाम दे देंगे दैट इज I1, ठीक है। देन ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच में दैट इज जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो है 2V, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ऐसा आउटवर्ड है और इसको हम नाम दे देंगे is I2, ठीक है। और ये जो दोनों ब्रांचेस है, ये दोनों ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन ये हम ऐसा आउटवर्ड ले लेंगे, ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे दैट इज I3 एंड इसका हम नाम दे देंगे दैट इज I4, ठीक है। इस तरह से हमने चारों ब्रांचेस में यहाँ पे करंट शो किया है, सभी का हमने नाम दे दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे KCL अप्लाई करना है। उसके लिए देखो हमने यहाँ पे लिखा है अप्लाई KCL एट नोड वन। तो KCL अप्लाई करते समय रूल क्या है, रूल काफ़ी सिंपल है। रूल ऐसा है कि जो करंट नोड पे एंटर करता है उसका वैल्यू आपको निगेटिव में लेना है और जो करंट नोड से लीव करता है उसका वैल्यू आपको पॉजिटिव में लेना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। देखो हमने क्या कहा, जो करंट एंटर करेंगे उसको आपको निगेटिव में लेना है और जो करंट लीव करेंगे उसको आपको पॉजिटिव में लेना है, ठीक है।
तो ये देखिए, ये जो करंट I1 है ये नोड पे एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू हम निगेटिव में लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ I1। देन ये जो करंट I2 है ये नोड से लीव कर रहा है, इट मीन्स बाहर जा रहा है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे प्लस में लेंगे। देन I3 I4 ये भी दोनों नोड से लीव कर रहा है, तो ये भी दोनों जो है वो प्लस में आएंगे, तो प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमने पर्टिकुलर नोड पे KCL अप्लाई करके ऐसा इक्वेशन बना ली है। ये जो हमने इक्वेशन बनाया है ये हमने ये कंसिडरेशन का यूज़ करके बनाया है। अगर आपने इसका अपोजिट कंसिडरेशन किए तो भी चलेगा, इट मीन्स अगर आपने एंटर वाले पॉजिटिव एंड लीव वाले निगेटिव लिए तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में ये कंसिडरेशन दिया है तो कुछ बुक्स में इसका अपोजिट कंसिडरेशन दिया है। अगर आपने इसका अपोजिट कंसिडरेशन किए तो क्या होगा, ये निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा और जहां पे पॉजिटिव है उसके जगह निगेटिव हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फाइनल आंसर है वो एक ही आता है। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलो अब हम यहां पे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये सभी करंट को वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि करंट होता है दैट इज करंट I इक्वल्स टू V बाय R। तो हम एक काम करेंगे, ये सभी करंट को V बाय R के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले I1 की बात करेंगे, तो I1 जो है, I1 का वैल्यू हमें पता है, I1 करंट, ये देखो ये जो ब्रांच है इसमें करंट सोर्स है और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 एम्पियर है, तो I1 का वैल्यू हो गया 10 एम्पियर, तो I1 के जगह हम यहाँ लिखेंगे 10, तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 10। और अब I2 की बात करेंगे, तो I2 क्या है, देखो ये जो I2 है ये I2 यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसा हमने यहाँ पे शो किया है, लेकिन ये ब्रांच में क्या है, देखो ये क्या है, तो ये है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिपेंडेंट सोर्सेज के टाइप पता होना चाहिए। डिपेंडेंट सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये है डिपेंडेंट करंट सोर्स, लेकिन उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये कौन सा टाइप है, तो ये है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो इसके साइड में जो वैल्यू है वहां पे V लिखा है, इट मींस ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो हमें इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहां पे हमें यहां पे I2 जो है वो देखो, यहां पे ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसका वैल्यू क्या है, 2V है, इसका मतलब I2 का वैल्यू 2V है, तो हम ये I2 के जगह यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2V। ठीक है, ओके। और अब I3 और I4 की बारी, तो I3 एंड I4 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो I3 है ये नोड 1 से ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और इसको अगर हमें वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स V बाय R के फॉर्म में लिखना है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं दैट इज़ I3 इक्वल्स टू V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स V बाय 5, तो हम इसको लिखेंगे दैट इज़ V बाय 5। और I4 के लिए भी हम उसी टाइप से लिख सकते हैं कि V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये हो गया दैट इज़ V बाय 2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, तो ये करंट जो है I3 एंड I4 ये नोड 1 से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, तो ऐसे में I3 होगा दैट इज V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, यानी ही V बाय 5। ठीक है, और I4 दैट इज़ V बाय 2। तो इस तरह से ये हमने पूरा इक्वेशन बना लिए, और बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें V का वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये पूरे इक्वेशन में V अननोन है, और अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ये जो तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स में से V कॉमन ले लो, और ये जो 10 है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लो, तो ये कुछ ऐसा होगा। देखो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले जैसा हमने कहा V हमने कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 2 ये ऐसा बचेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा 10। ठीक है, हमने ये तीनों में से V कॉमन ले लिए, 10 को राइट साइड में शिफ्ट कर लिए, तो ये तीनों को अब हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तीनों को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है दैट इज 2.7 इसका आंसर आता है, और राइट साइड में है 10। ठीक है, और अब ये 10 को 2.7 से डिवाइड करा दो, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2.7, तो यहाँ पर हमें V मिल जाएगा। ये हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो ये आ चुका है दैट इज 3.703 वोल्ट। तो ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज हमें मिल गया कितना है, 3.703 वोल्ट। और अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो देखो, क्वेश्चन में कहा था ऑब्टेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है 2V। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो V का वैल्यू हमें मिला है, बस ये V का वैल्यू यहाँ हमें पुट करना है, तो हमें उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ,
तो ये हमने यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स इक्वल्स टू, दैट इज कितना दिया था क्वेश्चन में, 2V दिया था। तो बस हमें यहाँ पे V का वैल्यू पुट करना है 2 × 3.703। देखो हमें बस V का जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, बस हमें वो यहाँ पे पुट करना था, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर लिए और इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, दैट इज 7.406 दैट इज एम्पियर। तो ये हमें जो मिला है यही है फाइनल आंसर। क्वेश्चन में लिखा था वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट किए, एम्पियर में रहेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसलिए वो एम्पियर में रहेगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।